डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिलाष मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे कंप्यूटर से रिलेटिव और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटिव। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टैली का कैसे ओपन करते हैं और टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। आइए आज मैं आपको उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। देखो, सबसे पहले टैली ओपन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। टैली कभी भी रन कमांड पे ओपन नहीं होती है, नहीं वो रन कमांड पे ओपन होगी, सिर्फ वो है तो हमें स्टार्ट के साथ ऑल प्रोग्राम में जाकर टैली से वहां से ओपन कर सकते हैं, या हमारे डेस्कटॉप वगैरह या कहीं भी उसका टैली का आइकन पड़ा हुआ है तो हम वहां से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज टैली हमारी कभी भी रन कमांड पे ओपन नहीं होगी और या हम सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको जैसे टैली ओपन होती है उसके बारे में बताता हूँ, फिर बाद में आपको कंपनी बनाना और उसको डिलीट करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपको एक, देखो ये मेरे जो स्क्रीन आ रही है स्क्रीन पे वो टैली ईआरपी 9 है। आज हम जो भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो टैली ईआरपी 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहीं से टैली खोल लेता हूँ, ईआरपी 9 पे क्लिक करूंगा डेस्कटॉप पे और मेरी टैली ओपन हो जाएगी। मेरी टैली ओपन हो चुकी है, मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है टैली ईआरपी 9। पहले जो हम लोग वर्जन कर रहे थे वो टैली 9 कर रहे थे, 9.0 कर रहे थे, जो कि हमारा जीएसटी वर्जन नहीं था। जब क्योंकि आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 से हमारे जीएसटी भी लग गई है तो हम उसको अब जीएसटी बेस पे कर रहे हैं। जैसे मैं पहले फुल स्क्रीन कर लूंगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो करना है वो मुझे वर्किंग इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना होगा तो मेरी टैली खुल के आ जाएगी। और टैली को बंद करने के लिए मुझे शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q दबा दोगे या यहाँ पे क्यूट पे आके क्लिक कर दो तो ये क्यूट हो जाएगी। पहला तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट पे जाने के बाद मुझे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद मुझे टैली ईआरपी 9 पे जाना होगा। देखो टैली ईआरपी 9 पे आ गए, इसके बाद ये टैली आ रहा है, टैली ईआरपी 9 पे क्लिक कर दूंगा मैं और यहीं से मेरी जो टैली है दोबारा दूसरे तरीके से जो मैंने दूसरा टाइप है वहां से ओपन हो जाएगी। टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हमसे कोई पूछता है टैली क्या है, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की समराइजिंग इन्हें मनी पैसे को इवेंट करने का, लेन देन का पूरा हिसाब जो रखते हैं वो टैली के हम अकाउंटिंग में रखते हैं, इसमें हम कर सकते हैं। तो दूसरा टाइप मैंने आपको बता दिया कि दूसरा टाइप से अब यहाँ से खोल रखिए। अब मैं फिर Ctrl+Q करके क्यूट कर दूंगा टैली मेरी। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट पे जाएंगे, ये जो हमारे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल आ रहा तो यहाँ पे हम लिख देंगे टैली TALLY। तो जैसे हम टैली पे क्लिक करेंगे तो टैली ईआरपी 9 पे आ गया और मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। तो टैली ओपन करने के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए और अब मैंने आपको बता दिए हैं। और चौथा तरीका जो हम रन कमांड से प्रोग्राम ओपन करते हैं, टैली कभी भी रन कमांड पे ओपन नहीं होती है। तो मैं अब आपको अपनी अभी आपको मैं इसमें बताता हूँ कि टैली को टैली में जो है हम इसको यूज कैसे करेंगे। मैंने आपको खोलने के चारों तरीके बता दिए हैं, अब मैं इसको यूज करने के तो टैली हम एजुकेशन मोड पे चलाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं टैली को और हम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज करने का सेलेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ जो पूरा खुल के आया, इसे हम टास्क कहते हैं। टैली का जो मेरा टास्क खुल के आ चुका है तो देखो यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनीज। कंपनीज का मतलब यहाँ पे कोई भी कंपनी हमारी सेलेक्ट नहीं है अभी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब यहाँ पे कंपनी इन्फो का मतलब है, कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ। कंपनी सेलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि कंपनियां जो हमारी कोई भी कंपनी हमने पहले से बना रखी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लॉग इन कंपनियां होती है, लॉग इन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं टैली रजिस्टर्ड वाली अगर मैं टैली ले लेता हूँ तो उसमें हम लॉग इन करते हैं। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कंपनी बनाना। बैकअप का मतलब आप जानते ही हो, जैसे किसी भी फाइल या फोल्डर का बैकअप ले लेना, उससे क्या है कि हमारी वो फाइल अगर डिलीट हो जाती है तो उसका हम बैकअप ले सकते हैं। और रिस्टोर का मतलब क्या है, उसे हम वापस कर सकते हैं। क्यूट का मतलब बाहर। तो सबसे आइए मैं आपको कंपनी बनाना बताता हूँ, जैसे कि हमारे कंपनी के जो फॉर्म होते हैं हम उसे कैसे फिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट कंपनी पर यहाँ पे एंटर मारूंगा, ये हमारा जो फॉर्म है वो हमारा खुल के आ जाएगा। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर जो डायरेक्टरी आ रही है जो उसका जो डाटा जो सेव होगा वो सी ड्राइव में जाके यूजर जो होगा क्लिक होगा टैली ईआरपी 9 में डाटा में जाके सेव होगा। कहाँ पे जाके सेव होगा, उसके सी ड्राइव में। अब नेम में आगे, नेम में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे NAC डाल देता हूँ। NAC का मतलब न्यू अर्बन कंप्यूटर डाल देता हूँ बस। इसका दूसरा मेलिंग नेम में भी NAC लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे एड्रेस डालना है तो मुझे एड्रेस इसका इस्लाम नगर हो गया, इस्लाम नगर बताया ही हो गया इसका एड्रेस।
उसके बाद मुझे इसका अगला डालना, तो मैं इसका पिन कोड भी डाल सकता हूँ या और भी डिटेल्स में। उसके बाद मुझे कंट्री, कंट्री का मतलब है कि मैं कौन सी कंट्री में आप इसको टैली को यूज कर रहे हो, तो हमें यहाँ पे कंट्री में हमारी इंडिया आ गई। उसके बाद इंडिया के अंदर आपको पता है कि स्टेट है, तो यहाँ पे हम कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूपी दबा देंगे, तो हम यहाँ पे कौन सा आएगा, यूपी से हम बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद पिन कोड आ जाएगा 2437 23, मेरा पिन कोड 2437 23 है, आप अपना पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद आ गई फोन नंबर, फोन नंबर में आप अपना जो भी आपका लेटेस्ट कोई फोन नंबर होता है या आप जो करंट में रनिंग कर रहे हैं आप उसको डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर को भी आप आराम से यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यहाँ पे ये मोबाइल नंबर को भी डाल सकते हैं। उसके बाद आती है फैक्स, जो होती है एक फैक्स मशीन होती है, आप फैक्स मशीन का भी नंबर डाल सकते हैं, वो भी एक कॉल के टाइप से आता है। ईमेल आईडी जो आपकी होगी वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ nsc@123@gmail.com, जो भी आपने बना रखी है अपनी आप उसको अपने डाल देंगे यहाँ पे .com। आपकी वेबसाइट कोई भी है तो आप वेबसाइट को भी फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे www करके जो आपको पता है कि वेबसाइट www करके डालेंगे nac.co.in, ये हमारी वेबसाइट हो गई। इसके बाद अगला क्या होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष कौन कौन सी होती है आपकी, देखो हमारे यहाँ दो वित्तीय वर्ष को यूज करते हैं, हमारे यहाँ जो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं 1 अप्रैल 1 4 2020 से जो हमारी मतलब नई वित्तीय वर्ष चालू हुई है वो 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगी, और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं तो 1/1/2020 से लेकर 31/12/2020 तक ये होती है, ये हमारी क्या हुई, हमारी वित्तीय वर्ष होती है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। दूसरी चीज है कि नॉर्मल कंपनी अगर मुझे बनानी है तो मैं एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा, और अगर मुझे पासवर्ड डालना तो यहाँ पर टैली वैलिड पासवर्ड कोई भी पासवर्ड डाल सकता हूँ, फिर रिपीट करूंगा, उसके बाद मुझे एज ए कंट्रोल यूजर नेम आ जाएगा, तो बोस टाइप की भी मैं बना सकता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है बेसिक कंट्रोल सिंबल, इंडिया का जो हमारे यहाँ पे का कंट्री सिंबल क्या होता है, यहाँ पर रुपीज है तो यहाँ पर रुपीज का सिंबल आ गया। उसके बाद क्या है इसका फॉर्मल नेम जो इसे बोलते हैं INR, इसके हिसाब से बोलेंगे, इसके पूरी डिटेल जो भी है इसमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे क्या पीसेस में भी आ सकता है कि जो हमारे पैसा है जो हम के पैसे में लेते हैं तो वो भी है, उसे मुझे एंटर एंटर करके मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा। तो मेरी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है, आपने देखा था पहले कंपनी इन्फो आ रहा था, अब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन खुल गए हैं, तो यहाँ पे क्या गेटवे ऑफ टैली आपकी खुल चुकी है। अब मुझे क्या है यहाँ पे कंपनी को डिलीट करना है, मैंने कंपनी बना रखी है और इसे डिलीट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या है कंपनी इन्फो में जाके जाएंगे, तो ये कंपनी इन्फो का ये ऑप्शन आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ। अगर मेरे टैली में जो हम शॉर्टकट की को यूज करते हैं इसमें अगर सिंगल लाइन आ रही होती है मेरे बर्ड के नीचे तो मैं शायद उसके साथ अल्ट दबाऊंगा, और डबल लाइन अगर आ रही है तो मैं उसके साथ कंट्रोल के साथ उसका प्रयोग करूंगा, तो मैं यहाँ पे अल्ट F3 का भी यूज करूंगा, Alt F3, जैसे मैं Alt F3 का यूज करूंगा Alt F3 तो मेरा कंपनी इन्फो खोल के आ गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अल्टर पे जाऊंगा, अल्टर पे क्लिक करूंगा, कंपनी को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल से सेलेक्ट कंपनी, Alt D से डिलीट कंपनी, और एंटर एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनीज आ गई, यहाँ पे मेरी अभी कंपनी आ रही थी, और यहाँ पे अभी आपने देखा था गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ रहा था, अब कंपनी इन्फो आ गई कि मुझे दोबारा से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसी के साथ यहाँ से ऐसे ही टैली को मैं कंट्रोल प्लस क्यू से बंद कर दूंगा, तो ये मेरी टैली क्यूट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज आप इसका मुझे कमेंट बताएं, कमेंट में अपना जो भी है फीडबैक आप दें, उसके साथ अगर आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और थैंक यू वेरी मच माय दिस वॉचिंग माय वीडियोज़।